हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने ये बॉर्डर लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे इस बॉर्डर के लिए मैंने आपको ये कार्डिगन बनाना बताया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो मुझे कमेंट आया था कि मैं आप लोगों के साथ ये वाला बॉर्डर शेयर करूँ। तो मेरी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की है कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँ। तो आज ये वीडियो उनके लिए मैं बनाने जा रही हूँ। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाला बॉर्डर हम मशीन में बनाएंगे। तो देखिए, ये मैंने हमने जितने फंदे आप लोगों को चाहिए आप उतने फंदे ले लीजिए। मैंने 30 से 60 फंदे इसमें ले लिए हैं। तो हमने सबसे पहले वन साइड से दो फंदे हमें काउंट नहीं करने हैं, दो फंदे काउंट नहीं किए। 1 2 3 4 फोर वाला फंदा हमने 5 वाले फंदे में डाल देना है। ध्यान से देखिए, दो फंदे छोड़ के 1 2 3 4 फोर वाला फंदा 5 वाली नीडल में ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बगल वाला फंदा भी ट्रांसफ़र कर लेना है। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, फिर से हमें ये वाला फंदा यही से हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5। तो फोर वाला फंदा 5 में काउंट, उसके बगल से ये वाला फंदा। और हमने क्या करना है, जो नीडल हमारी बगल से खाली हुई उन दो फंदों को इधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान से देखिए, ये बगल वाले इसके आसपास की नीडल हमने खाली, ये बीच में एक फंदा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो फिर हमने ये वाला फंदा हम इधर ले आए और हमने इसी फंदे से काउंट करना है 1। और ये देखिए, हम अब इस वाले फंदे से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 4 का फंदा 5 में और ये हमने इसमें डाल दिया। फिर हम दो फंदे आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, ये देखिए। फिर एक यहाँ से काउंट 1 2 3 4, चौथा वाला 5वें में और उसकी बगल का भी हम निडिल खाली कर देंगे और ये दो फंदे हम जिस निडिल में हमने फंदे डाले हैं उसी में हम ये ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, इससे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4। फोर वाला फंदा हम 5 में डाल देंगे और फिर जो दो फंदे हम यहाँ से लिए हैं वो हम आगे की ओर ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5, 4 5 में और 5 वाला फंदा, ये इसके बगल वाला फंदा भी हमने उसी में खाली कर देना है। और ये देखिए, फिर 1 2 3 4, चौथा फंदा 5वें में और फिर उसके साइड वाला फंदा भी हम इसी में ले लेंगे। और ये देखिए, दो फंदे हमने इधर ट्रांसफ़र कर लिए हैं। और अब हमारे साइड में देखिए, 3 नीडल यहाँ खाली हो गई, हमारी 3 नीडल यहाँ खाली हो गई है। तो हमने क्या करना है, ये लास्ट दूसरी नीडल को भी हम लास्ट वाली में डाल देंगे और यहाँ भी हम दूसरी नीडल को लास्ट वाली में डाल देंगे। आप फंदे अपने बॉर्डर के हिसाब से रख सकते हो, ये देखिए। और अब हम जो हमने फंदे खाली किए थे उन सारे फंदों को हम आगे कर लेंगे और दो सिलाई हम लगा लेंगे, 1 और 2। फिर हमने वही प्रोसेस करना है, दो फंदे छोड़ के हमें काउंटिंग करनी है 1 2 3 4, 4 फंदे 5 में और उसके साइड के हमने दो फंदे लेके, ये देखिए, दो फंदे हमने आगे को ट्रांसफ़र कर लेने हैं। फिर 1 2 3 4 5, 4 फंदा 5 में। आप इस बॉर्डर को आप ऑड नंबर में ही बनाना, जैसे मैंने बीच में आप देख सकते हैं 2 4 5 5 फंदे रखे हैं, तो आप इस यहाँ पे आप 5 7 या 9 ऐसे करके
फंदे रखें, तब आपका बॉर्डर एक अच्छे डिज़ाइन में आ जाएगा। फिर 1 2 3 4 फोर फंदा 5 में, ये देखिए। फिर उसके साइड की दो दो हमने फंदे आगे को ट्रांसफ़र कर लेना है। फिर 1 2 3 4 फोर फंदा 5 में, और फिर वो दो फंदे हम आगे को ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमने हर सिलाई में यही प्रोसेस करते हुए और इसी प्रोसेस को करते हुए हमने अपना पूरा बॉर्डर तैयार कर लेना है। और ये बनाते ही हमने उसके बाद दो सिलाई के बाद हमें अपना ये पैटर्न डालना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और ये देखिए, अब हमने फिर ये लास्ट वाला फंदा मैंने बताया था इधर हम डाल देंगे, और यहाँ से भी हम अपना सेकंड वाला फंदा यहाँ लास्ट में डाल देंगे। फिर अपने हम सारे फंदे आगे कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, और अब आप देख सकते हैं मैंने ये इतना बना लिया है। मैंने दो सिलाई इसमें लगा ली है, और आपको सेम पैटर्न करते हुए बॉर्डर बनाना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको दो चार सिलाई और बना के फिर दिखा आप देख सकते हैं मैंने कुछ सिलाइयाँ बना ली है। और आप दोबारा एक बार पैटर्न को समझ लीजिए। हमने दो फंदे पहले के छोड़ के फिर हमने तीसरे फंदे से काउंट करना है, और चौथे फंदे को हमने पांचवें फंदे में डाल देना है। उसके साइड वाला फंदा भी हमने पांचवें फंदे में डाल के दो फंदे इधर से ट्रांसफ़र कर लेने हैं। फिर ट्रांसफ़र जो फंदा खाली हो मैं उस निडल को खाली ही रहने देना है। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने ये बीच का फंदा है, तो फिर मैंने इसी फंदे से काउंट करना है 1 2 3 4। तो मैंने ये वाला फंदा इस 5 वाले फंदे में डाला, और फिर यहाँ से मैंने दो फंदे इधर ट्रांसफ़र कर लिए। ये निडिल हमें खाली ही रखनी है, ठीक है। फिर हमने इसी फंदे से काउंट करना है 1 2 3 4, फोर वाला 5 में डाला और इधर के दो फंदे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए। यही प्रोसेस हमने इधर को करते जाना है अपने हर सिलाई में। और फिर हमने अपनी ये सारी निडिल्स हम आगे कर लेंगे और दो सिलाइयाँ लगा लेंगे। देखिए 1 और 2, अभी हमारा ये बॉर्डर ऐसे बन के आता है। मैं आपको इसे दिखाती हूँ, ठीक है। और अगर आपको बॉर्डर डिज़ाइन अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। अब आप देखिए हमारा ये बॉर्डर बिल्कुल हमारे कार्डिगन के बॉर्डर के जैसा बन के आएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये मैंने वेस्ट धागा लगाया था नीचे से। ये देखिए हमारा बॉर्डर बिल्कुल परफेक्ट बन के आया है। ये देखिए, आप अपने हिसाब से इसमें जैसे मैंने आपको बताया था 5 फंदे या 7 फंदे ऐसे आप लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बॉर्डर मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये अभी ये हमारी ये 7 फंदे वाली पट्टी है, तो मैंने यहाँ 5 ही फंदे रखे हैं। तो आप 7 फंदे भी रख सकते हैं। और ये हमारा लग रहा है ना बिल्कुल वही पैटर्न, जबकि मैं आपको बता दूं ये वाला पैटर्न हाथ से तैयार किया हुआ है, और हमने सेम ऐसा ही पैटर्न मशीन में तैयार कर लिया है। ये मेरी वूल पतली है तो मेरा डिज़ाइन दूर दूर नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे जो पट्टी है ये 7 फंदों की पट्टी है, बीच में मैंने यहाँ पे 5 फंदे डाले हैं। तो आप 7 फंदे अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, वो आपको जितनी मोटी ये पट्टी लगी। और अगर आपको
वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।